आज हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर इस आदिम युग में भी लोग मूलभूत सुविधाओं के बिना रहने को मजबूर हैं। यहाँ तो न सड़कें हैं, न बिजली है, न पीने का साफ पानी है। इन गांवों में कोई बीमार पड़ जाए तो उसे अस्पताल ले जाने में भी इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये लोग कई मील पैदल चल पहाड़ी रास्तों पर झोली में मरीजों को कंधे पर उठाकर अस्पताल पहुंचाते हैं। मध्य प्रदेश के बड़वानी की सीमावर्ती पहाड़ों में हजारों आदिवासी रहते हैं, लेकिन उनके लिए वहाँ कोई सुख सुविधाएं नहीं है। सरकार के विकास के खोखले दावे यहाँ साफ नजर आते हैं। इन गांवों में जाने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर बिजली की भी कोई सुविधा नहीं है। इस आदिवासी बहुल जिले के आदिवासी इलाके में आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लोगों के पास मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। वहीं पहाड़ पर बसे भवरगढ़ ग्राम के अम्लीय पानी फलिए में 20 से 25 आदिवासी परिवार रहते हैं, लेकिन इस गांव तक जाने का कच्चा रास्ता भी उनके लिए उपलब्ध नहीं है। जब भी गांव में कोई गंभीर बीमार होता है या कोई महिला गर्भवती होती है तो उसे झोली में लादकर 4 किलोमीटर दूर बिजासन तक ले जाना पड़ता है और वहाँ से फिर किसी वाहन के जरिए उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। कई बार देरी हो जाने की वजह से अब तक कई मरीजों की मौत भी हो चुकी है। बारिश के दिनों में और रात के समय मरीजों को लाने ले जाने में बहुत दिक्कतें होती है। इस गांव में बिजली की भी कोई सुविधा नहीं है। यहाँ हर शाम लोगों के घरों में चिमनी से उजाला होता है। गांव वालों का कहना है कि पीढ़ियां गुजर गई हैं, लेकिन हमने बिजली नहीं देखी। वहीं अंधेरे में जहरीले जानवरों के काटने का डर भी बना रहता है। न पीने को पानी है, न चलने को सड़कें हैं। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि योजनाओं के नाम पर उनसे रिश्वत ले ली जाती है। यहाँ पर स्कूल है, लेकिन लगता नहीं है। सरकार दावे करती है, लेकिन वो सारे दावे झूठे साबित हो रहे हैं। तहसीलदार से बात करने पर उन्होंने कहा कि वनग्राम होने से दिक्कत हो रही होगी, पंचायत के माध्यम से जानकारी लेकर सड़क बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन कहाँ गई वो सरकार, कहाँ गया वो प्रशासन जो इनसे वादे कर रहा था और अब इन्हें इनकी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दे रहा है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.